कहा, सबका कारण है शासन तंत्र की दिशाहीनता। शासन तंत्र जानता है कि व्यासपीठ अगर आदर्श से युक्त रहे तो वो शासन नहीं कर सकते, समझ गए, क्योंकि उनका स्तर इतना घटिया है कि वो घटिया स्तर ही जो अध्यापक योग्य नहीं होता, वो शरारती बच्चों को, खेलकूद करने वाले बच्चों को बहुत पसंद करता है, और जो अध्यापक योग्य होते हैं वो मेधावी छात्र को पसंद करते हैं। जब कभी हमारे प्रश्न पत्र आ जाते थे सरल, तो मैं कहता था कोई आनंद नहीं आया, बहुत कठिन प्रश्न पत्र होता था तो मुझे प्रसन्नता होती थी। विद्यालय में तो हमने एक संकेत किया कि कथा में बहुत विकृति आई, एक विचित्र बात है, कथा का अर्थ निरुक्त के अनुसार स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज करते थे कथम, क्यों, जीवन और जगत की जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान कथा के माध्यम से होना चाहिए। क्या सबसे बड़ी समस्या तो मृत्यु की है, मृत्यु को सार्थक करने की समस्या सबसे बड़ी है, उसी का समाधान श्रीमद् भागवत में है या नहीं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भागवत है, या अंतिम मरण हो फिर जन्म लेना ही न पड़े, तो श्रीमद् भागवत का लक्ष्य क्या है, परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो। परीक्षित का अर्थ परीक्ष लोकान, स्तुति के आधार पर परीक्षित नाम पड़ा है, गर्भ में अश्वत्थामा के दिव्यास्त्र से उत्पीड़ित परीक्षित की रक्षा भगवान ने गर्भ में प्रकट होकर गदा के द्वारा की। श्रीमद् भागवत में दो विरुद्ध बातों का उल्लेख किया गया है, भगवान ने गदा के द्वारा अश्वत्थामा के दिव्य अस्त्र का वारण किया, एक जगह कहा है चक्र के द्वारा। तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहते थे गदा का द्रुत गति से भगवान ने चक्राकार विन्यास किया, तो गदा ही चक्र के रूप में परिलक्षित होने लगी, जैसे कि पंखा तीव्र गति से चले तो उसके जो तीन पंख, आजकल चार पंख दिखाई नहीं पड़ते, चक्राकार पंखा दिखता है, इसी प्रकार से वो छवि गर्भगत परीक्षित हृदय में अंकित हो गई। बच्चे का हृदय बहुत कोमल होता है, गर्भ के बाहर आए खेल कूद में परीक्षित ऐसे देखते थे, उस सामने से व्यक्ति आ रहा है क्या वही है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। महाभारत में कल्प भेद से परीक्षित नाम नहीं है, परीक्षित ह्रस्व रकार, ह्रस्व जी, ह्रस्व ई से युक्त रह, परीक्षित परिरक्षित, जिनके मरने से बचने के कारण कुरुवंश के बीज की रक्षा हुई उनका नाम परीक्षित। अगर परीक्षित भी मर जाते हैं तो पूरा कुरुवंश का ही विलोप हो जाता। तो मैंने यह बताया कि कथा तो उस ढंग से होनी चाहिए कि विश्व की जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान हो। कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान भागवत के द्वारा संभव न हो, लेकिन वो दृष्टिकोण कथा का आजकल लुप्त है। फिर अंत में नाच के गा के सही, आखिर भगवान का
यशोगान तो करते हैं। इस दृष्टि से हम लोग संतोष कर लेते हैं। और कोई प्रश्न?